और आज का जो मैन ऑफ द मैच है विप्स एकेडमी से वो है शाम जमाल, शायान जमाल। हे गाइस, आज हमारे घर दादी आई है और ब्लॉग की शुरुआत दादी करने वाली है। दादी बोलिए, हे गाइस। हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत शायान की दादी ने किया है। आज फर्स्ट ब्लॉग है, एक बार फिर से माय फर्स्ट ब्लॉग, मीन्स 100 ब्लॉग कल आ चुका है, तो आज से एक नई शुरुआत होती है। सुबह के 6:15 हुए हैं और शायान का एक टूर्नामेंट आज से स्टार्ट होने वाला है, तो शायान बिल्कुल तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, नाश्ता पानी सब हो गया है, बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। लेकिन थैंक्स गॉड, आज का जो हमारा जर्नी है बहुत छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम लोग बहुत रिलैक्स हैं और 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो बस अब हम लोग निकलते हैं ताकि टाइम से पहुँच सके और बाकी अपडेट ग्राउंड से। मैं आज के लिए निकल रहा हूँ तो उससे पहले दादी से मिल लेता हूँ। दादी, मैं आज के लिए जा रहा हूँ। जाओ अच्छे से खेलना, यमानिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और आज हमारी जो जर्नी है वो ऑटो से शुरू हुई है, क्योंकि बिल्कुल पास ही है ग्राउंड, बहुत दूर नहीं जाना, हर रोज़ की तरह जैसे हम लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो आज का जो सफ़र है हमारा बिल्कुल छोटा सा सफ़र होने वाला है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना आज हम डायरेक्ट ऑटो से ही जाएँ, हालाँकि यहाँ से मेट्रो से भी जा सकते हैं, पास ही है। हम लोग पहुंच चुके हैं अब सूर्या होटल के पास, यहां से अब हमें निकलना है सीधा आरके पुरम, वहां पे एक स्कूल है जिसमें कि आज का मैच हो रहा है। सात बजकर 2 मिनट हुए और हम लोग बिल्कुल ग्राउंड के पास पहुंच गए हैं, यहां से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी है, आधे घंटे लगे हमें आने में, आज तो ऐसा लग रहा है कि मानो हमने कोई जर्नी ही नहीं की है। ये है हमारे ऑटो वाले अंकल, भाई साहब इनफैक्ट, जो आज हमें लेकर के आए हैं, और इनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं यूट्यूब पे आऊं, तो मैंने कहा ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुबह सुबह पहुंचाया यहाँ तक, ठीक है। और आज शायान पहुंच गए हैं बिल्कुल स्कूल के गेट पे, और इधर से रास्ता है, खोलो खोलो, यही है, हाँ खोल दो खोल दो खोल दो। शायान सोच रहे हैं जाना है नहीं जाना है, और मुझे लगता है कि अंदर घुसते ही ग्राउंड है। Hey guys, good morning and welcome to the ground. तो हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल एक और नए ग्राउंड पे, और आप सभी का इस नए ग्राउंड पे स्वागत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बंदे जो हैं वो हम हैं, और अभी तक यहाँ पे किसी भी टीम का कोई भी बंदा नहीं पहुँचा है, बिल्कुल आप देख सकते हो सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसी का ग्राउंड है जहाँ पे कि आज का मैच होने वाला है, इस तरफ नेट लगा हुआ है आप देख सकते हो, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बट छोटे बच्चों के लिए, जो 11, 12, 13 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये आइडियल ग्राउंड है मुझे लगता है। कोन्स भी लगे हुए हैं, पिच, सबसे पहले हम लोग चल के पिच देखते हैं कि आज का पिच कैसा है और किस तरीके से बिहेव करने वाली है। तो शायान पहुंच गए हैं बिल्कुल पिच के ऊपर, पिच तो काफ़ी अच्छे से रोल की हुई है आप देख सकते हैं, इस पर ऊपर से ग्रास डाला हुआ है, ठीक है, इस पर ऊपर से ग्रास डाला हुआ है, और मुझे लगता है कि एक ही साइड से बैटिंग होने वाली है, इस साइड से, और इस साइड से जहाँ पे रोलर रखा हुआ है वहाँ से बॉलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पिच की हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बॉलों के निशान ऐसा लगता है गीली पिच पे खेला गया है, जिसकी वजह से बॉलों के आप गड्ढे देख सकते हैं, ये गड्ढे देख सकते हैं, ये बॉलों के निशान यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बैटिंग होगी उस साइड से। आज से शायान का एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जो कि डे नाइट है,
लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये है कि 3 लीग मैच मिलेंगे और 3 में से 1 मैच जो है वो डे होगा और 2 मैच जो है वो नाइट डे नाइट मैच होगा। तो ये देखें आप, इस तरफ फ्लड लाइट लगा हुआ है, चारों तरफ फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फ्लड लाइट की भी फैसिलिटी है। और पहला मैच आज शायान का जो पहला लीग मैच है वो आज 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है और अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं पहुँचे हैं। 7:15 हुए हैं तो अब लोग आना शुरू होंगे। मेरा आज बहुत ही छोटा सा ट्रिप था, बहुत पास ही है, 13-14 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस, तो हम लोग बहुत जल्दी और बहुत पहले पहुँच गए। एनीवे मज़ा आया, आप लोगों से एक्स्ट्रा बात करने का मौका मिल रहा है। तो बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं, अभी 2 बच्चे आए हैं। कितने बजे जागे थे? 6 बजे जाग गए थे? यहीं पे पास में रहते हो? अरे यार 6 बजे फिर जा गए इतनी जल्दी, मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में? हाँ। क्या बात है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे फ्यूचर के स्टार्स और आज शायान के साथ खेलने वाले हैं। क्या एज है आपकी? 5 ईयर्स। आप खेलोगे इस मैच में? और तुम्हारा? मेरी 8। क्या बात है, क्या नाम भी बताओ चलो। और तुम्हारा? मोहम्मद साद। चलो गाइज, तो बच्चों ने कहा है कि भाई हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभी कोई आए नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा नेट्स में जा रहे हैं। और प्लेयर आ गए हैं हमारी टीम के और शायान बॉल डाल रहे हैं और ये % टीम के बच्चे आ चुके हैं शायान की टीम के और अब वार्म अप शुरू कर दिए। 8:15 तक मैच शुरू हो जाएगा। दोनों ही टीमें आमने सामने लाइनअप टॉस के लिए। सिक्का उछाल दिया गया है और टेल डीजीएन ऑन द टॉस इलेक्टेड टू नो फील्ड पर, ठीक है आप उनको मैसेज 10 मिनट में शुरू करें। शायान की टीम को टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है आज। हालांकि टीम टॉस हार गई लेकिन पहले बल्लेबाजी मिली है। अब देखते हैं किस तरीके से ये मैच घटता है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, दोनों ही अंपायर मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और गर्व मैदान के बीचों बीच, टूर्नामेंट का पहला मैच और फील्डिंग चारों ओर सजाई जा चुकी है। मैच शुरू होने वाला है, 35 ओवर्स का ये मैच है और शायान एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए बढ़ रहे हैं। 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 89 रन बनाकर आउट हो गए शायान। आखिरी गेंद इनिंग्स की, 219 रन स्कोर हो चुका है। बॉलर ने भागना शुरू किया, बल्लेबाज तैयार और ये क्लीन बोल्ड हो गए। इसके साथ ही 7 विकेटों का पतन हो गया है। 35 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 35 ओवर्स के खात्मे के बाद 219 रन कुल योग हुआ टीम का। हाईएस्ट स्कोरर शायान रहे, 89 रन्स बनाकर आउट हुए। दूसरी इनिंग्स का आगाज होने ही वाला है, पूरी की पूरी टीम मैदान के बीचों बीच। दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेदांश और मन ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए निकल चुके हैं। 220 रनों का टारगेट मिला है 35 ओवर्स में। जीतने के लिए 220 रन चाहिए और फील्डिंग टीम भी बिल्कुल चुस्त और मुस्तैद 220 रनों को डिफेंड करने के लिए। डीजेन की तरफ से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब जो देखना मैच चाहिए था हमें बैच किया है दोनों टीमों ने, ठीक है। नेक्स्ट मैच जो भी आपका होगा एक बार सर को इन्फॉर्म कर देंगे। और आज का जो मैन ऑफ द मैच है विप्स एकेडमी से वो है शाम जमाल, शायान जमाल मैन ऑफ द मैच। ताली बजा दो शाम के लिए। आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 89 रन, 7 ओवर में 11 रन दिए, 3 मेडल रखा। मैन ऑफ द मैच, वेल डन।
क्या बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की, लाजवाब, जबरदस्त 120 रन बनाए, शानदार, वेल डन बॉय। शायान आ गए हैं अब घर की तरफ रवाना होने के लिए, शानदार जीत के साथ आज रहे मैन ऑफ द मैच। तो चलो गाइस, अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। शायान के हाथ में ये आप देख सकते हो चमचमाती हुई ट्रॉफी, आज शायान रहे हैं मैन ऑफ द मैच। शानदार 89 रन बनाए, हालांकि अपने पहले शतक से चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, उम्दा फील्डिंग की और बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की। 7 ओवर्स में 3 मेडन रखे और सिर्फ 11 रन दिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। तो चलो अब हम लोग सीधा घर की तरफ निकलते हैं। तो गाइज, हम लोग घर पहुंच चुके हैं अभी, और ये शायान के हाथ में है ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। आपको मैच के बारे में ज्यादा कुछ बता ही चुका हूँ, तो चलो अब शायान दादा दादी से मिलना और सरप्राइज देना, ठीक है? क्योंकि दादी से मिलके गए थे ना, दुआ लेके गए थे और तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वालेकुम सलाम, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। दादा दादी को दे दो। शायान आज दादी से सुबह सुबह मिल के गए थे और अपना जो माय फर्स्ट व्लॉग है वो दादी के दुआओं के साथ दादी से ही शुरू करवाया था, और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि 89 रन बनाए शायान ने और बेहतरीन बॉलिंग भी की। और अब इस वीडियो का अंत भी दादा दादी के साथ ही कर रहे हैं। तो चलो गाइस, अब हम लोग काफी टायर्ड हो चुके हैं, अब फ्रेश हो गए, अब खाना वाना खाना है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।